ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल कमेंट। तो एक्सेल में कैसे कमेंट को यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले एक्सेल ओपन करते हैं। देखिए, एक्सेल में कमेंट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई भी रो में, कोई भी कॉलम में या फिर कोई भी सेल में अगर आप कुछ डेटा डाल के रखे हैं और उसके बारे में कुछ कमेंट अगर आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कमेंट लिखा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक तो कमेंट ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप सिलेक्ट कीजिए सेल को। सेल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए बहुत ऑप्शंस है यहाँ पे। देखिए आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे देख पाएंगे इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक तो कमेंट आपका पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का नाम है वो आ जाएगा, उसको आप बैकस्पेस दबा के आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। दिस इज अ कमेंट। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग करेंगे कोना में जाके तो आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आप बाहर पे क्लिक कर देंगे तब ये क्या होगा, ये कमेंट सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बाहर पे क्लिक कर देता हूँ, कमेंट सेट हो गया। और कमेंट सेट होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक कोने में रेड कलर का आपका एक नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमेंट पे अगर आप माउस होवर करेंगे तब देखिए ये कमेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज आप लोगों को सिखाता हूँ, कमेंट में हम लोग कैसे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो पहले मैं ये कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप कमेंट को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप कमेंट के पास जाएंगे तब ये चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ सेल पे जाएंगे तभी कमेंट दिखेगा। सेल के बाहर पे अगर आप माउस लेके चले जाएंगे तो कमेंट वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट कमेंट है, एडिट कमेंट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आप एडिट एडिटेड कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप बाहर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सेव हो गया है, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कमेंट। डिलीट कर कमेंट करने के बाद देखिए आप ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में कैसे पिक्चर ऐड किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट पे पिक्चर ऐड करने के लिए सिंपली आपको कमेंट ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट कमेंट। ठीक है, इंसर्ट कमेंट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको माउस को इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर पे आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए बॉर्डर पे लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अप डाउन एरो बटन एक तो आ गया है, ऑप्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा फॉर्मेट कमेंट। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप मिडिल पे आप ये राइट क्लिक मत कीजिए। अगर मिडिल पे आप राइट क्लिक करके भी आपको फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन आएगा, ये इसमें जाएंगे तो ये सब ऑप्शन आपको नहीं देगा, यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर पे सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट कमेंट पे जाइए। देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे कलर्स एंड लाइन्स टैब में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद देखिए कलर्स में हम लोग जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स करने के बाद देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको जाना होगा पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर में जाने के बाद आप यहाँ पे सीधे पिक्चर सिलेक्ट कीजिए आपका पसंद का। ठीक है, पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए। मैं यहाँ पे देखिए ये पिक्चर को लिया हूँ। ठीक है, इसको लेने के बाद आप रोटेट फिल इफेक्ट विथ शेप, आप शेप भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपली ये पिक्चर को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ऐड करके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद फिर से यहाँ पे ओके दबा दीजिए। ओके दबा देने के बाद आप देखिए इसको आप रिसाइज कर पाएंगे। रिसाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे आप माउस को होवर होवर कीजिए, आप एकदम एज पे, यहाँ पे एज पे क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद आप सिंपली बाहर पे क्लिक कर दीजिए। बाहर पे क्लिक कर देने के बाद देखिए ये कमेंट सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप माउस होवर कीजिए फिर से, देखिए ये पिक्चर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में सिर्फ यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।